कोरोना वायरस की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका डाउनफॉल चल रहा है और इंडिया में भी यही हाल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जब भी इकोनॉमी का डाउनफॉल होता है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर इसी टाइम पे ज्यादा वाइब्रेंटली वर्क करना शुरू कर देता है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है करना और बहुत भारी मुनाफा वो कमाता है। क्योंकि जब कोई चीज डाउनफॉल में है मार्केट में तो उसका उतना ही उठने का ज्यादा चांसेस होता है, बशर्ते ऐसे में आप हर चीज आराम से देखते रहें और जब आपको लगे कि यहाँ पे मुझे लॉस होने वाला तो वहां से अपनी यूनिट आप दूसरे फंड में कर दें ट्रांसफर। तो ऐसा ही एक प्लान आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जहाँ पे आपको पूरी तरीके से फ्रीडम देखने के लिए मिलती है। जब आप चाहें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर पाएंगे, जब आप चाहेंगे अपना यूनिट आप एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर पाएंगे और कोई एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं होने वाला है। तो अगर आपको मार्केट का नहीं है बिल्कुल भी आइडिया और आप मार्केट में करने जा रहे हो इन्वेस्ट और चाहते हो रिस्क कवर भी, तो आज की वीडियो आप एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपके साथ में डिटेल शेयर करूंगा ICICI पोटेंशियल के सिग्नेचर यूनिट लिंक प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे उसके बेनिफिट या टर्म्स एंड कंडीशन। तो बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो तो एंड तक, और अगर आप नए हो, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, क्योंकि हम हमेशा अपने दर्शकों के प्रश्नों के अनुसार ही इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित राज शर्मा, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने प्यारे चैनल पे। प्रोडक्ट का नेम आपको पता ही है, ICICI पोटेंशियल सिग्नेचर यूनिट लिंक प्लान। इस प्लान में जो एज एंट्री है वो है 0 to 60 years और प्लान की जो मेच्योरिटी एज है वो है 18 years to 75 years। ये प्लान दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है नॉर्मल, दूसरा है होल लाइफ। अगर आप होल लाइफ लेते हैं ये प्लान, तो वहाँ पे जो प्लान का टर्म है उसको जानने के लिए आपको अपनी एज को माइनस करना होगा 99 में से, प्लान का टर्म आपको पता चल जाएगा। रेस्ट मिनिमम 10 इयर्स का पॉलिसी टर्म है, मैक्सिमम 30 इयर्स का पॉलिसी टर्म है। अगर आप होल लाइफ के रूप में ये प्लान लेते हैं तो 60,000 एनुअली जो मिनिमम प्रीमियम का यहाँ पे ब्रैकेट है, और अगर आप नॉर्मल वेस में लेंगे ये प्लान तो एनुअली 30,000 का मिनिमम प्रीमियम है, मैक्सिमम जितना आपको अलाउ हो इस पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशन और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल पे कर पाएंगे। बात करें समर शॉर्ट की, तो देखिए मिनिमम जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 7 times आपको कवर मिलेगा, मैक्सिमम जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 10 times तक आपको कवर मिल सकता है, लेकिन आप अपना कवर भी बढ़ा सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली का आपको मोड ऑफ प्रीमियम देखने के लिए मिलता है इस प्लान के अंदर। बात आती है यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म की। अगर आप होल लाइफ के लिए प्लान लेते हैं तो 7 years, 10 years एंड 15 years का प्रीमियम पेइंग टर्म है, और रेगुलर मोड ऑफ प्रीमियम भी है कि आप रेगुलर बेस पे करना चाहते हैं प्रीमियम जब तक आपका प्लान का टर्म है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लिमिटेड पे ऑप्शन लेते हैं नॉर्मल प्लान के लिए, मतलब होल लाइफ के लिए नहीं जाते हैं, लिमिटेड टर्म के लिए जाते हैं 10 to 30 years के लिए, तो वहां पे जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा लिमिटेड प्रीमियम पेइंग का, वो है 5 years, 7 years और 10 years का। इस प्लान के अंदर आपको मेच्योरिटी टैक्स फ्री मिल जाती है और जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको रिबेट मिल जाती है। बात करें पार्सल विड्रॉल की, तो इस प्लान में आपको वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। वैसे यही होता है यूनिट लिंक प्लान के अंदर की 5 years का वेटिंग पीरियड होता है, 5 years के बाद में हम अपनी फंड वैल्यू का 20% तक विड्रॉल कर सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। और अगर माइनर के लिए पॉलिसी ली है तो 18 years की एज होनी चाहिए कम से कम, तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं, नॉर्मल चीज है, सेम चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। इसी के साथ इस प्लान में आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक पार्शल विड्रॉल का भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मतलब आप पॉलिसी लेते वक्त प्री डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने फंड वैल्यू का, क्योंकि मैक्सिमम 20% तक अलाउ होता है, राइट, तो आप कितने परसेंटेज महीने की 1 तारीख या 15 तारीख को मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे, हाफ ईयरली बेस पे या ईयरली बेस पे आप रिटर्न चाहते हैं, पार्शल विड्रॉल चाहते हैं इंस्टॉलमेंट में, वो ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है जिसे सिस्टमेटिक विड्रॉल ऑप्शन बोलते हैं, वो आप अवेल कर सकते हैं। देखिए इस प्लान के साथ में कंपनी भी आपकी हेल्प करती है आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने में, और उस हेल्प का नाम है वेल्थ बूस्टर। अब ये जो वेल्थ बूस्टर है, जैसे आपकी पॉलिसी के 5 years कंप्लीट हो जाते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है। ये काम किस तरीके से करेगा, हम सब लोग जानते हैं 1 साल में होते हैं 4 quarters और चारों क्वार्टर की होती है परफॉर्मेंस अलग अलग, तो उसका निकाला जाएगा एक एवरेज, किसका,
फंड वैल्यू का, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ईयरली पे कर रहे हैं तो भी चार क्वार्टर तो आएंगे ना एक साल में, उसका एक एवरेज निकाला जाएगा टोटल फंड वैल्यू का, उसका 3.25% एड कर दिया जाएगा आपके यूनिट फंड में, तो इससे आपकी वेल्थ जो है और बढ़ जाएगी इस तरीके से, तो कंपनी भी आपकी यहाँ पे मदद करती है। इतना ही नहीं, इस प्लान में जो पॉलिसी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होता है और उसी के साथ में जो आपका मोर्टेलिटी चार्जेस है वो भी आपको रिटर्न मिल जाते हैं प्लान के टर्म कंप्लीट होने पे, और उसी के साथ आपको इसमें फ्रीडम है कि आप जब चाहें अपना क्षमा शॉट आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, प्लान की टर्म भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने प्लान की टर्म ली 10 ईयर्स जो कि मिनिमम है, अब आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप अपना प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम इन्वेस्टमेंट आप उतना ही बढ़ा सकते हैं आगे चल के जितना आपका बेसिक प्रीमियम है, राइट। और इस जो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया प्रीमियम बढ़ाने का और समर शॉट इंक्रीज करने का, इसको टॉपअप बोलते हैं। अगर अपना टॉपअप प्रीमियम बढ़ा देंगे तो आपका जो टॉपअप जो प्रीमियम है उसका एक समर शॉट भी बनेगा, तो आपका रिस्क कवर भी बढ़ जाएगा। वो कैसे, जो टॉपअप प्रीमियम आपने पे किया उसमें मल्टीप्लाई बाय किया जाएगा 1.25 का, तो जो अमाउंट जो बन जाएगा राइट वो आपका यहाँ पे रिस्क कवर भी हो जाएगा इस प्लान के अंदर। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट की बात करें तो हमें पता है तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, टोटल यूनिट फंड वैल्यू राइट, जो टोटल प्रीमियम पे करा है उसका 105%, या जो हमारा समर शॉर्ट है, या उसके साथ अगर हमने कोई टॉपअप प्रीमियम ऐड किया था, मतलब प्रीमियम बढ़ाया था तो बढ़ा हुआ जो समर शॉर्ट था वो। अब इन तीनों में से जो भी हाई होगा वो मिल जाएगा हमारे नॉमिनी को राइट। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी पे बड़ा ही सिंपल है, वो ये है कि टोटल फंड का जो वैल्यू रहेगा उस टाइम पे वो आपको मिल जाएगा, प्लस आपको ऑप्शन है कि आप स्ट्रक्चर पे आउट ले सकते हैं जिसे आप सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर पे आउट है या सेटलमेंट ऑप्शन है ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये जैसे कि मैच्योरिटी हो गई और आपने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट पे आउट है उसी टाइम पे मिल जाएगा आपको जैसे आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हुई है। रेस्ट क्या होगा, अगले 1 से 5 साल के बीच में इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं, चाहे वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे लें। इसी के साथ में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आपने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है और उसके बाद में आप चाहते हैं कि एक साथ ही सेटलमेंट हो जाए, सारा फंड आपको मिल जाए, तो जरूरी नहीं है 5 साल तक वेट करना, आप इसको सेटलमेंट करके सारा फंड वैल्यू अपना ले सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑप्ट करने के बाद डेथ हो जाती है तो टोटल यूनिट फंड वैल्यू जो बचा हुआ वो मिल जाएगा आपके नॉमिनी को, या जो प्रीमियम आपने पे किया उसका 105% तक मिलेगा आपके नॉमिनी को, जो भी इनमें से हाई होगा वो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो हम सबको पता है कि यूनिट लिंक प्रोडक्ट जो होते हैं, चार तरीके के फंड हमें वहां पे मिलते हैं, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, सिक्योर फंड और डेप्थ फंड। यहीं पे हम अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से कॉम्बो बना के रखती है, अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, जिससे कि अगर कोई नया है उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो अपने आप को सिखा सके, आगे बढ़ सके और मार्केट को ट्रैक करने की आदत डाले और उनका प्रोडक्ट ये अलाउ करे। तो यहाँ पे चार तरीके की स्ट्रेटेजीज आपको मिलेंगी, नंबर 1, नंबर 2, मुझे जो इसमें पसंद आया वो है नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 पे आता है हमारा फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अब जो फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज है सेम यही सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन्हीं में हम इन्वेस्ट करते हैं ओके। और ये जो फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज अगर आप चूज करते हैं तो आप अनलिमिटेड स्विच कर सकते हैं अपने यूनिट फंड का किसी दूसरे यूनिट फंड्स के अंदर। मान लीजिए आपने ए फंड चूज कर लिया और ए फंड में आप कर रहे थे इन्वेस्ट, अब अचानक से आपने, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है मार्केट की अपग्रेड और आपको लगता है कि यहाँ पे डाउनफॉल होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो आपने बी दूसरा ऑप्शन देखा और वहां से यूनिट दूसरी तरफ बी फंड की तरफ शिफ्ट कर दी, तो ऐसा आप फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के अंदर अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ही सही नहीं है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो 1 साल के अंदर 4 बार आप अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ना ही स्विच चार्जेस है, ना ही स्ट्रेटेजी चेंजेस करने पे चार्जेस है। और 4th नंबर पे है आपका लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग जो पोर्टफोलियो है, ये भी सही बी पोर्टफोलियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। और मैंने जैसा आपसे कहा था बिगनिंग में कि अगर हमें आइडिया नहीं है तो हमें एक ऐसा प्लान चाहिए होता है जो हमें इधर से उधर चेंजेस करना अलाउ करे और हमसे चार्जेस ना ले उन चेंजेस करने के, तो ये प्रोडक्ट वो अलाउ करता है। अगर आप एक न्यू कमर हो, बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है, तो इस प्लान के साथ आप आंख बंद करके शुरू कर सकते हो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ में। मार्केट डाउन पे है और अगर आप
क्रॉस चेक करते चले जाएंगे अपनी नॉलेज को, जिन जिन फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, देखना शुरू करेंगे, राइट। तो 100% आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे एज ए इन्वेस्टर, अपने लिए तो एटलीस्ट बन जाएंगे इस एक प्लान के थ्रू। और अभी मार्केट डाउन पे है, 10 ईयर्स की स्ट्रेटेजी के साथ में हम जाएंगे तो 100% बेनिफिट पूरी तरीके से हो सकता है। बाकी म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, हम सब लोग जानते हैं कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमें खुद ही बेयर करना होता है अगर लॉसेस यहाँ पे होते हैं तो। इसी के साथ इस प्लान के अंदर हमें और ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि प्रीमियम रीडायरेक्शन का ऑप्शन हमें मिल जाता है, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हमें बिल्कुल नहीं देने इस प्लान के अंदर, और उसी के साथ में जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो है 0.75% फॉर द मनी मार्केट फंड और रेस्ट सबके लिए 1.35% होता है। प्रीमियम एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस है वो है आपका 100 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये इस प्लान की कुछ डिटेल है जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। और अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसके भी चार्जेस है, जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वैसे ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे खुद हमें सारी फ्रीडम हो तो वहाँ पे पॉलिसी डिसकंटिन्यू करने वाली कोई ऐसे बात मुझे नहीं लगती है, बट ये आपका हक है जानना कि डिसकंटिन्यू चार्जेस है या नहीं, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं। और इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन है जो ये प्रोडक्ट आपको लेते वक्त बिल्कुल रीड करनी है, और उसी के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक दिया है जहाँ पे आप विजिट करें, जाइए सारी डिटेल को क्रॉस चेक कीजिए, और मुझे पता है ये प्रोडक्ट आपको पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आया शेयर कर सकते हैं आप दूसरे लोगों के साथ, राइट। तो चलता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे, लेकिन जाने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूंगा, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। तो चलता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप बहुत ही मूल्यवान हैं।